खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर खास शो मॉनसून पर मेघदूत आया के साथ हाजिरों में रुमाना इस साल। मौसम का हर अपडेट हम आपको सबसे पहले बताते हैं अपने इस शो में। आज शुरुआत मुंबई से करने जा रहे हैं, मुंबई जहां जमकर बारिश हो रही है। सुबह बारिश से जहां मुंबईकरों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं अब बारिश मुंबई के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जगह जगह मुंबई में ट्रैफिक जाम, जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप समझेंगे कि इस वक्त मानसून की वजह से कैसे मुंबई मुश्किल में है। यहां तक कि बारिश का जो असर है वो अब विमानों की आवाजाही मतलब फ्लाइट्स पर भी पड़ना शुरू हो चुका है। ये चार तस्वीरें आपके सामने, मुंबई का ताजा हाल ये चार तस्वीरें बयां कर रही है। अंधेरी, घाटकोपर, पवई, धारावी, मुंबई के अलग अलग इलाके कैसे लगातार हो रही बारिश से मुंबई में जलभराव की स्थिति। जलभराव से सड़कों पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियां बंद हो रही हैं पानी भरने की वजह से और मुंबई वालों की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब लेकर चलते हैं आपको मुंबई के कुर्ला इलाके में, जहां सोसाइटी में बारिश का पानी जमा हो गया। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की मुंबई के कुर्ला से रिपोर्ट देख लीजिए। मुंबई की बारिश से जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली है तो वहीं कई मुसीबतें भी लेकर आई है। गर्मी से तो लोगों को राहत मिली है लेकिन कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मैं इस वक्त मुंबई के कुर्ला इलाके में हूं और कुर्ला के पश्चिम में ये शबनम कोऑपरेटिव सोसाइटी है। शबनम सोसाइटी की ये बिल्डिंग है और देखिए इस परिसर में बिल्डिंग सोसाइटी में पानी भर गया है और करीब जहां मैं खड़ा हूं यहां घुटने तक पानी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है और मीटर बॉक्स हो या फिर एसी के वायर हो वो इस प्रकार से बाहर हैं और वहाँ भी पानी भर रहा है। ये देखिए इनका दफ्तर है बाबू भाई मोटर ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पर भी पानी भर गया है। कैमरामैन सचिन से कहूँगा कि यहाँ थोड़ी ऊंचाई है, संभाल कर आएँ। और ये देखिए ये इनका दफ्तर है बाबू भाई मोटर ट्रेनिंग सेंटर और इस मोटर ट्रेनिंग सेंटर में भी पानी भर गया है। इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि भीतर जो सामान है वो लकड़ी का सामान है और कई कागजात रखे हुए हैं। यहाँ मोटर ट्रेनिंग सेंटर है, ये यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है मुंबई के कुर्ला इलाके में। और यहाँ पर ये जो तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं, ये इनका दफ्तर है और ये देखिए वुडन काम किया गया है लेकिन ये ख़राब हो गया क्योंकि यहाँ पानी अब भर गया है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। हमारे साथ व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? आलम। आलम भाई, हर बार की यही तस्वीर है या अभी पहली बार? हर साल की यही तस्वीर है। हमेशा बोलते हैं कि समझे कि गटर में से पानी नहीं आएगा लेकिन हमेशा यही हाल रहता है। हम लोगों को हमेशा पानी में बैठना पड़ता है, ऑफिस में काम करते रहते हैं और पानी भरा रहता है नीचे। मुंबई की पहली बारिश की तस्वीर है और देखिए दफ्तर में इनके पानी भर गया और आप यहाँ पे देखिए इनको काफ़ी किस हालात में इनको काम करना पड़ रहा है। बाबू भाई मोटर ट्रेनिंग सेंटर है और आप देखिए ये बिल्डिंग और यहाँ से जाने का रास्ता सोसाइटी से बाहर निकलने का, लेकिन यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को मशक्क़त करके घर से बाहर निकलना पड़ता है। कल्पना कीजिए घर से बाहर निकलते ही अगर ऐसी स्थिति में काम पर जाना पड़े तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोगों को मुसीबतें भी झेलनी पड़ रही हैं। मुंबई की पहली बारिश में ऐसी तस्वीर कई इलाकों से सामने आ रही हैं। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये कुछ देर पहले की आपने मृत्युंजय की रिपोर्ट जो देखी कुर्ला से, इस वक्त मृत्युंजय कुर्ला में ही मौजूद है। मैं सीधा आपको कुर्ला लेकर चलती हूँ मृत्युंजय के पास और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि गणेश ठाकुर को भी आप देख रहे हैं, गणेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं गणेश ठाकुर। लेकिन पहले मृत्युंजय, कुर्ला की तस्वीर अभी किस तरीके की बनी हुई है, जल भराव की फिलहाल क्या स्थिति है बताइए दर्शकों। रोमाना, जो सुबह तक जो बारिश राहत देने वाली बारिश नज़र आ रही थी वो दोपहर होते होते आफत वाली बारिश नज़र आ रही है और ये तस्वीर उसकी वजह है। ये तस्वीर देखिए मुंबई के कुर्ला इलाके का ही है और ये सोनापुर लेन के नाम से जाना जाता है, सोसाइटी में जाने वाला रास्ता है और आने जाने वाला रास्ता देखिए। थोड़ी अभी बारिश कम हुई है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है लेकिन अभी भी देखिए सोसाइटी में आने जाने का रास्ता और जो वाहन है वो किस प्रकार से निकल रहे हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ से मैं सोनापुर लेन के आगे सड़क पर लेकर चलता हूँ और आगे
तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आने जाने वाला रास्ता है, ये न सिर्फ मुख्य रास्ता है लाल बहादुर शास्त्री रोड को जोड़ता है, बल्कि इसके भीतर इस लेन में काफ़ी ज़्यादा स्कूल और कॉलेज भी है। और उन स्कूल और कॉलेज की स्थिति आपको बता दूँ कि स्कूल और कॉलेज के जो ग्राउंड फ्लोर के क्लासरूम है उसमें पानी भर गया है, बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी है स्कूलों से। बच्चों की छुट्टी हो गई लेकिन इस बात की जानकारी पेरेंट्स को नहीं थी और इसलिए उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं पहली बारिश में ही जनजीवन प्रभावित हुआ है। ये देखिए सड़क का हाल, ये मुख्य सड़क है और यहाँ बड़ी बड़ी ट्रक जाती हैं, लेकिन सड़क को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि पहली बारिश में ही बीएमसी के तमाम दावों की पोल खुल गई है। मुंबई जो रुकती नहीं थमती नहीं, वो मुंबई कहीं ना कहीं पहली बारिश में ही प्रभावित हुई है। थोड़ा सा आपको जनजीवन के बारे में बता दूँ, शुरुआत करते हैं मुंबई के एयरपोर्ट से। मुंबई के एयरपोर्ट पर जो विमानों की आवागमन है वो करीब 25 से 35 मिनट की देरी से चल रही है। मुंबई की जो सड़क यातायात की बात करें तो वो तस्वीर आपको बताने के लिए काफ़ी है, जहाँ जगह जगह पर पानी भरा हुआ है वहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है, जगह जगह पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अगर बात करें मुंबई की रेलवे की, यानी कि मुंबई की लाइफलाइन की, तो मुंबई की लाइफलाइन रेलवे, सेंट्रल रेलवे लाइन हो, वेस्टर्न रेलवे लाइन हो, काफ़ी ज़्यादा देरी से चल रही है। तो इस प्रकार की दिक्कतें मुंबई के उपनगर में और दक्षिण मुंबई में भी देखने को मिल रही हैं। मुंबई के कुर्ला इलाका हो, दादर इलाका हो, परेल हो, सायन हो, इन इलाकों में पानी भरा हुआ है और इसी प्रकार से दिक्कतें हो रही हैं। जो स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं और कुछ बच्चों को स्कूलों में बिठा कर रखा गया है और उन बच्चों को जब तक उनके पेरेंट्स नहीं आते उन्हें हैंड ओवर नहीं किया जा रहा। तो ये देखिए लोग आ जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, और थोड़ा सा यहाँ पर सोसाइटी की तरफ आपको नज़र दौड़ाएं तो किस प्रकार से देखिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जहाँ सुबह के शुरुआत के 2-3 घंटे बारिश, बहुत सुहाना मौसम था, लोगों को राहत मिल रही थी, गर्मी से निजात मिला था, इस बार मानसून 20 दिन की देरी से भी आया है, तो लेकिन वो दोपहर होते होते आफत वाली बारिश नज़र आ रही है और मुंबई के कई इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, यातायात काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो रोमाना ये तस्वीर तो कुर्ला इलाके की है, लगभग इसी प्रकार की कई तस्वीर मुंबई के कई निचले इलाकों में देखने को मिल रही है। रोमाना बिल्कुल, आपने वो जो बात कही ना मृत्युंजय की, ये मुंबई है, न रुकती है न थकती है, लेकिन हर मानसून मुंबई जो है वो तैरती हुई जरूर नजर आती है और तैरने के लिए मुंबई को मजबूर होना पड़ता है क्योंकि बीएमसी हर बार की तरह इस मौसम में भी मानसून से पहले ऐसा लग रहा है जैसे सो रही है। मुंबई में जिस तरीके की जलभराव की स्थिति हो रही है उसे देखकर यही कहा जाएगा। मैं आपके पास लौटूंगी मृत्युंजय, जल्दी से गणेश ठाकुर के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे, बारिश, जल जमाव, यकीनन यहां पर ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो गई होगी गणेश। जी बिल्कुल, और यही तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं मैं। ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, ये प्रमुख सड़क है। आपको बता दें कि ये ना सिर्फ उपनगर को मुंबई से जोड़ती है, तो ये नासिक, थाने और इंदौर की ये पूरी सड़क है और यहाँ पर ये स्थिति देखने मिल रही है। लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ कई किलोमीटर दूर तक लगा हुआ है क्योंकि आगे से राइट अगर मुड़ते हैं तो JVLR आता है जहां पर पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है, और इसके आगे चेंबूर और चेंबूर के आगे हिंदमाता, ये तो पूरा जो पूरा सड़क है ये पूरी मुंबई की, यहां पर की स्थिति ये है। घंटों लोगों को ट्रैफिक जाम है, दिक्कत आ रही है कुछ, गणेश ठाकुर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आगे गणेश ठाकुर का रुख करने की कोशिश करूंगी क्योंकि गणेश जो हैं वो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर मौजूद और बता रहे थे वहां किस तरीके से इस बारिश की वजह से जो जलभराव हो रहा है उसने रफ्तार बिल्कुल धीमी कर दी है, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें आपने देखी, रिंगती हुई गाड़ियां, ट्रैफिक की समस्या बड़ी होती जाएगी। और ये तो अभी दोपहर के समय ट्रैफिक का हाल था, जरा सोचिए शाम को किस तरीके की तस्वीर होगी क्योंकि तब तो पीक होंगे ना, लोग अपने दफ्तरों से वापस जब घर का रुख करेंगे तो समस्या और बड़ी हो जाएगी। अब आपको दिखाते हैं एक बार फिर कुर्ला का ही हाल, कुर्ला में सड़कों पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। मृत्युंजय क्योंकि कुर्ला में ही मौजूद है, मृत्युंजय की एक रिपोर्ट कुर्ला से फिर से दिखाते हैं। लंबे इंतजार के बाद मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। आमतौर पर 8 से 9 जून तक मुंबई में मानसून आ जाता है, लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद मुंबई में मानसून ने दस्तक दी है और मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है। आज सुबह सूर्योदय तो नहीं हुआ लेकिन बारिश की बूंदों ने मौसम को सुहाना बना दिया है और कई निचले इलाकों में पानी भरना भी शुरू हो गया है। हम इस वक्त मुंबई के कुर्ला इलाके में हैं। कुर्ला इलाके का ये लाल बहादुर शास्त्री LBS रोड है जो कि ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये दक्षिण मुंबई की दिशा में जाता है, और आप देखिए सड़क के किनारे जो 3 लेन की सड़क है 2 लेन में आपको पानी नज़र आएगा और 2 पहिए वाहन
कि आप देखिए चक्के जो कि पानी में डूबे हुए आपको नजर आएंगे, और पहले दिन ही कई शिकायतें मिल रही हैं कि नाले जो है उसकी सफाई अच्छे से नहीं हुई, जिसकी वजह से नालों पे पानी ओवरफ्लो कर रहा है। आज कामकाजी दिन है, लोग अपने काम के लिए घरों से निकले हुए हैं, अलग अलग वाहनों से निकले हुए हैं, चाहे बेस्ट की बसें हो, रिक्शा हो, टैक्सी हो, प्राइवेट गाड़ियाँ हो, उन गाड़ियों से निकले हैं, लेकिन तेज़ बारिश भी इस रफ्तार को धीमी नहीं कर पा रही है। जगह जगह पर पानी भरने की शिकायतें भी आ रही हैं। आपको बता दें कि कल जो महाराष्ट्र के तटीय इलाके हैं, पश्चिम महाराष्ट्र के जो कि रायगढ़ जिला आता है, रत्नागिरी आता है, उन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है और कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में मुंबई में और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होगी। आज के लिए मौसम विभाग की चेतावनी ये है कि दोपहर के वक्त 4 घंटे लगातार तेज़ बारिश होगी, और एक मानसून काफ़ी देरी से आया है। आमतौर पर मानसून 8 से 9 जून को आ जाता है, लेकिन इस बार काफ़ी देरी से मानसून आया, लोगों को राहत भी मिली है। तो ये तस्वीर आप कुर्ला की देख रहे हैं, ये तो आपने सड़क की तस्वीर देख ली, अब आपको सोसाइटी में लेकर चलते हैं और वहाँ भी तस्वीर दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या तस्वीर है। जरा ये देखिए, आज पहली बारिश जो झमाझम हुई है उसमें देखिए थोड़े पानी भर गया है यहाँ पर। ये होटल है और ये होटल का परिसर है जिसमें पानी भर गया है। ये बताता है कि नाले की साफ़ सफाई बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुई। ये नाला है और यहाँ से पानी निकल जाना चाहिए था, लेकिन नाले की साफ़ सफाई नहीं हुई। और ये आगे लेकर चलते हैं, यहाँ देखिए ये नाला है और ये ओवरफ्लो कर रहा है, काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ से राहगीर गुजरते हैं। ये फुटपाथ है और इस फुटपाथ से होकर लोग गुजरते हैं, लेकिन देखिए किस प्रकार से नाले की सफाई नहीं हुई और यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और ये जो गटर है, नाला है, वो ओवरफ्लो कर रहा है। हम एक स्थानीय व्यक्ति से बात करते हैं, बताइए ये देखकर लगता है कि नाले की साफ सफाई अच्छे से नहीं हुई है। नाले की साफ सफाई अच्छी हुई नहीं है और कितना अनसेफ है, यहाँ के स्कूल के बच्चे यहाँ से जाते हैं, ढकने यहाँ खुले हुए है, टोटल ढकना यहाँ खुला हुआ है, अगर एक बच्चा चला जाएगा, बच्चा क्या औरत भी चला जाएगा तो गटर के अंदर मर सकता है। बीएमसी ने ढकना खुला करके रखे है और देखो क्या हालत देख सकते हैं, कैसा दोनों बड़े बड़े ढकने खुले करके रखे, कितने अनसेफ है ये। बिल्कुल ढक्कन खुला हुआ है तो ये काफ़ी असुरक्षित है, क्योंकि यहाँ से देखिए स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, सड़क पार करते हैं, तो ये काफ़ी रिस्की है। और यहाँ से दूर दूर 2-3 जो नाले के ढक्कन है वो इस प्रकार से नज़र आ रहे हैं। तो ये पहली बारिश में ही पोल खुलती नज़र आ रही है और ये हर बार की तस्वीर हो गई है। बीएमसी हर बार दावे तो करती है लेकिन वो दावे हर बार की तरह खोखले साबित होते हैं। निचले इलाकों में पानी भरना एक बार समझ में आता है, लेकिन नालों की साफ़ सफाई बीएमसी के हाथ में है। अगर नालों की साफ़ सफाई होती तो इस प्रकार की तस्वीर देखने को नहीं मिलती। नालों से पानी ओवरफ्लो कर रहा है, गंदगी फैली हुई है और यहाँ से स्कूल के बच्चे गुजर रहे हैं और यहाँ से पानी जो है वो मुख्य सड़क पर आ रहा है और इससे यातायात भी प्रभावित हो रही है। तो ये पहली बारिश में ही पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है। एक तरफ जहां इतने दिनों के बाद बारिश ने मुंबईकरों को राहत दी है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार की तरह मुंबई बृहत मुंबई महानगर पालिका जो कि बीएमसी है, जिसकी जिम्मेदारी होती है साफ सफाई की, उसने अपनी कितनी ईमानदारी से काम की है उसकी पोल खुलती यहां पर नजर आ रही है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।